सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा अद्वैत से. अद्वैत जो है ये सीक्रेट सुपरस्टार के राइटर और डायरेक्टर हैं. और आकाश से, आकाश इज फ्रॉम जी स्टूडियो. सिट. तो आप लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं. ज्योति, यू कीप कंप्लेनिंग ऑल द टाइम कि दो साल के बाद आपकी फिल्म आती है. बसा हाँ, आप लोग कंप्लेन करते हैं कि दो साल के बाद मेरी फिल्म आती है, तीन साल के बाद आती है. तो अब फॉर अ चेंज विद इन 8 months मेरी फिल्म आने वाली है. तो आई होप यू आर सेटिस्फाइड अबाउट दैट. एंड आई एम वेरी हैप्पी मैम, आई एम वेरी हैप्पी कि ये फिल्म हमें करने का मौका मिला है. एंड वी हैप्पी टू टॉक टू यू अबाउट दिस लिटिल वेंचर ऑफ आवर्स. So, आमिर सर, पहले तो बता दूं, ट्रेलर सभी ने एंजॉय किया, बहुत मजा आया. अच्छा, एक मिनट 26 सेकंड में. सवाल ये कि आपने, आप किस किरदार में इस फिल्म में नजर आने वाले हैं? मैं किस किरदार में जी? यार दोस्त, ब्लैक टी शर्ट आप ऊपर करोगे ना वो चिल्लाएंगे, तो आप लोग कैमरा ऊपर मत करो अभी. हाँ, ओके. हाँ, क्या था सवाल आपका? आप सर किस किरदार में आने वाले हैं, क्योंकि लाइक और टेस्ट चेंज करो वगैरह देख करके. मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस फिल्म के अंदर. इस फिल्म का नाम है सीक्रेट सुपरस्टार जी, और अगस्त में आ रही है, अगले साल 4 अगस्त को आ रही है. ये फिल्म अद्वैत ने लिखी है और डायरेक्ट की है, आमिर खान प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की है. और इसमें जो मेरा किरदार है, दाल में जो तड़का होता है ना, तड़का, वो मेरा कैरेक्टर तड़का है एक्चुअली दाल में. और इस लुक के पीछे किसका आइडिया था, जो आपने स्पेसिफिक लुक लिया था, जिसकी तस्वीरें भी पिछले दिनों में एक दो आई? जी हाँ, जब मैं शूटिंग कर रहा था कहीं कहीं नजर आया था मैं. लेकिन ये लुक जो है, ये तो सब अद्वैत जी ने क्रिएटिवली निकाला है मुझ में से कि लुक क्या होनी चाहिए. इंटरेस्टिंग लगी लुक आपको? बहुत ही अलग रोल है मेरा, ऐसा कोई रोल मैंने लाइफ में किया नहीं ऐसा. सर एक और सवाल है, कल से ही खबर चल रही है कि दंगल की सबसे बड़ी डील हुई है, थोड़ा उसके ऊपर अगर आप लाइट डालते कि कौन सी डील हुई भाई? कि सैटेलाइट डील हुई है 75 करोड़ की, उसके पीछे कितनी सच्चाई है, एग्जैक्टली क्या है? एक्चुअली मैं पैसों की चीज़ें पब्लिकली बात करना अच्छा नहीं लगता. नहीं, मैं बताऊँ आपको फैक्ट बात कि ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती हमको, पब्लिकली हम बात करें तो मैं करता नहीं ये सब चीज़ें. थैंक यू.